आज है 21 तारीख यानी 21 अगस्त और हम फिर आ गए हैं माता रानी के दरबार पे आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसे कि हमने वादा किया था कि आप उसको रोज दर्शन करवाएंगे, तो आज मैं फिर आया हूँ जलंधर से चिंतपूर्णी दरबार, पर आज मैं पिछली साइड से आया हूँ। यहाँ से शीतला माता को भी जाता है रास्ता और ये तलवाड़ी की तरफ भी निकलता है। मेरे पिछले दरबार में माता चिंतपूर्णी जी का हम वहाँ से अभी जो दर्शन किए हैं वो आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी वीडियो भी, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय माता। लाभना जय मंडी से चल बस।
बापू लाल बादशाह की फोटो बनी ना मजबूत नहीं। ये नकोदर वाले हैं, ये नकोदर वालों का लंगर है। यहाँ देखिए बापू लाल बादशाह जी, बादशाह जी की बटाला की तरफ से यहाँ लंगर लगा है। यहाँ देखिए हम चिंतपूर्णी मंदिर से बस थोड़ा ही दूर हैं, तो भगत जन देखिए कितने बैठे हैं यहाँ पर। ये सब पीछे पैदल चल के आए हैं और यहाँ थक के थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए हैं और साथ में चाय वगैरह ले रहे हैं।
से रुक जा। चांद आज है 21 तारीख यानी 21 अगस्त और हम फिर आ गए हैं माता रानी के दरबार पे आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। जय माता दी। हमने भरवाई से अंदर को एंटर कर लिया है जय माता दी बोलते हुए। बने रहना हमारे साथ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। देखिए यहाँ भक्तों के रौन के देखिए कैसे कैसे हैं। कल वैसे बहुत रश था रात में और अभी थोड़ा दिन में आए हैं तो अभी भी है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे रश बढ़ता जाएगा क्योंकि भक्त ये सोचते हैं कि शाम के टाइम थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है चलना और काफ़ी लोग चल के ही आते हैं। ये वापिस जो जा रहे हैं इन्होंने दर्शन कर लिए हैं, ये कल रात के आए होंगे। जय माता दी। जैसे हम यात्री सदन पहुँचे यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ जो सड़क जाती है इस तरफ हमने रोड को आज ले लिया। ये रोड मंदिर के बैक साइड जाता है। यहाँ देखिए ये रोड नीचे की तरफ जो जा रहा है यहाँ से हम जाते हुए गए हैं। ये देखिए यहाँ ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बस वगैरह ट्रक यहाँ खड़े करते हैं यात्री और यहाँ लगाकर फिर से वापस यात्री सदन पर्ची जहाँ से मिलती है वहाँ से पर्ची लेकर आगे मंदिर की ओर जाते हैं। पर हम आज आपको पीछे के रास्ते से लेके जा रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोगों को ये रास्ता पता हो, अगर नहीं पता है तो ये भी आप देख सकते हो। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे जाता है जहाँ से कुछ 10-15 पौड़ियाँ चढ़ के हम मंदिर के 3 नंबर गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां लिफ्ट है। रास्ता बड़ा खूबसूरत है। सामने आप देख रहे हो वो सब मंदिर की सीढ़ियां आपको नज़र आ रही होंगी। तो हम यहां पहुंचे तो ये सामने सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं ये इस सीढ़ी की बात कर रहा हूं। हमने यहां अपनी गाड़ी लगाई और ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये 10-15 सीढ़ियाँ हैं, कुछ मिट्टी की कुछ लोहे की हैं।
तो आप में से बहुत लोग यहाँ से गए होंगे। और यहाँ देखिए मेरी इस तरफ जो रास्ता है शीतला माता, और ये रास्ते से हम आए हैं, और ये रहा नंबर गेट 3। यहाँ देखिए यहाँ से मंदिर पीछे की तरफ से है, जहाँ से दर्शन करके वापस नीचे आते हैं, गेट नंबर 3 है। तो आप में से बहुत लोगों ने ये रास्ता देखा होगा, और चलो आपको आज दर्शन करवाते हैं। ये भीड़ आज भी बहुत है, हर तरफ भीड़ है, बहुत भगत आए हैं इस बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ रहे हैं। ये देखिए मंदिर की बैक साइड है, तो आपको लिफ्ट तक का लेके चलते हैं, यहाँ से लिफ्ट का रास्ता है। तो दर्शन हम भी वहीं से करेंगे, क्योंकि आज बहुत भीड़ है, तो जल्दी बारी तो आने वाली नहीं है हमारी। तो ये जो रास्ता है जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, ये है मंदिर की लिफ्ट का रास्ता। तो यहाँ से हमने दर्शन किए जय माता दी बोलते हुए, तो आपको भी करवा दिए हैं। हमें यह बात पता चली है कि यहाँ से आप 1100 रुपये की एक पर्ची लेकर तो आप यहाँ से लिफ्ट से दर्शन कर सकते हो। पास बनता है 1100 रुपये में, वो पास आप बनवा सकते हो, फिर वहाँ से 5 बंदे दर्शन कर सकते हैं। अगर तो 60 साल से ऊपर है वो उनको बिल्कुल फ्री है। जय माता दी, जय माता दी। तो हमने दर्शन किए, आपको भी करवाए, और अब हम वापस जा रहे हैं। जय माता दी करते हुए आपको एक बार भक्तों का दृश्य दिखा दें। यहाँ पर यहाँ सब देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी माँ चैतन्य के दरबार में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। पता लगना नहीं बदलना का, इदा नहीं पता लगना, उड़दे आ रहे। Thank you.